अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीए पार्ट टू के पेपर बिल्कुल करीब हैं, तो हमने अपने बच्चों से वादा किया था कि जिस तरह हमने पार्ट वन के बच्चों को जो जो चीज़ें बताई थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे मुँह से निकल हुई सारी चीज़ें पेपर का रंग इख्तियार कर गई थी। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि आपके लिए भी वही चीज़ें जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो हम वीडियो के ज़रिए भी लेके आएँ, अपने नोट्स और प्लस वीडियो के ज़रिए, ताकि कोई भी बच्चा हमारा फेल ना हो बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने फ़ीस भी अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो हम चाहते हैं कि हर आदमी, गरीब बच्चा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम ये भी चाहते हैं कि दोबारा नौबत ना आए कि वो फेल हो। तो ये जो क्वेश्चन अब हम आपको करवाने जा रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से मॉडर्न एसेस का, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, वो जो टू नेशन थ्योरी के हवाले से जो है, दो कौमी नज़रिए के बारे में, वो उसको शो कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये उन हालात के बारे में है जो पाकिस्तान बनने के बाद के जो हालात पाकिस्तान को फेस करने पड़े। तो ये आपने तवज्जो से इसकी वोकैबुलरी को भी देखना है और देखना है कि फिक्रा बनता कैसे है। एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूंगा। क्वेश्चन है ये, व्हाट वर द प्रॉब्लम, कौन से मसाइल थे विच पाकिस्तान फेस्ड, जिनका पाकिस्तान ने सामना किया आफ्टर पार्टीशन तकसीम के बाद। अब पहले मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी वोकैबुलरी भी बता लूँ आपको। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास, कैंसास यूनिवर्सिटी, लियाकत अली खान, स्पेलिंग भी देखते जाएँ, लियाकत अली खान, कौन लियाकत अली खान, कॉमा लगाकर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आ गया पार्टीशन, पार्टीशन कहते हैं तकसीम को, पार्टीशन प्लान, तकसीम का मंसूबा अनाउंस, ऐलान करना ऑन जून 3, 1947, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को, विद 8 मिलियन पीपल, 8 करोड़ लोगों के साथ, सेटअप कायम करना, सेटअप अ न्यू स्टेट, एक नई रियासत कायम करना, एस्टेब्लिश भी कायम करना, कैपिटल दारुल खिलाफा, नेशनल फ्लैग कौमी झंडा, डिस्पर्स मुंतशर करना, मिलिट्री इक्विपमेंट, फौजी साजो सामान, फ्लड ऑफ मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज, लाखों महाजरीन का सैलाब फेस सामना करना, डिजीज एंड इग्नोरेंस, बीमारी और जहालत, इंडस्ट्री सनद इंजीनियर्स, टेक्निकल हैंड माहरीन, मिजरेबल खस्ता हाल, काबिल रहम, यूनिटी ऑफ द नेशन, कौम का इतिहाद, सक्सीड कामयाब होना, लाइक अ ब्रेव नेशन, एक बहादुर कौम की तरह, ईट खाना, वियर पहना, ये सारी वोकैबुलरी जो इसमें आ रही है आप देखें। कैंसास यूनिवर्सिटी में साथियों और तालिबिलों से खिताब करते हुए जिस फिक्रे में ते हुए का लफ्ज आएगा, उसमें हम वाइल का यूज करते हैं, और वाइल के यूज के फौरन बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी का इजाफा होगा, जैसे कि खेलते हुए वाइल प्लेइंग, सोते हुए वाइल स्लीपिंग, हंसते हुए वाइल लाफिंग, टीवी देखते हुए वाइल वॉचिंग टीवी। अब देखें, कैंसास यूनिवर्सिटी में साझा तालबिल खिताब करते हुए वाइल एड्रेसिंग, वाइल एड्रेसिंग खिताब करते हुए किन से, वाइल एड्रेसिंग, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान और आ जाए तो पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, वाइल एड्रेसिंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट, साझा और तालबिल से खिताब करते हुए कैंसास यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में हमेशा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा एड यूज करते हैं, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास, कॉमा लगाकर, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने उन मसाइल के बारे में अमरीकियों को बताया, पास इन डेफिनेट का फिक्र है, सब्जेक्ट वर्सेस सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कॉमा लियाकत अली खान, कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये पूरा बन गया सब्जेक्ट, टोल्ड दी अमेरिकन्स, अमरीकियों को बताया किन के बारे में, उन मसाइल के बारे में, अबाउट द प्रॉब्लम्स, उन मसाइल के बारे में जिनका पाकिस्तान ने तकलीफ के बाद सामना किया, पास इंडेफिनिट का फिक्र है, विच पाकिस्तान फेस्ड, जिनका पाकिस्तान ने सामना किया तकलीफ के बाद, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आफ्टर द क्रिएशन, तकलीफ के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, 3 जून 1947 को तकसीम के मंसूबे का ऐलान किया गया, पास इंडेफिनिट का पैसिव का फिक्र है, तकसीम के मंसूबा, द प्लान ऑफ पार्टीशन वाज अनाउंस्ड या डिक्लेयर, तकसीम के मंसूबे का ऐलान किया गया,
ऑन 3rd June, ऑन June 3rd, 1947, ऑन June 3rd, 1947 तकसीम के वक्त पाकिस्तानियों को कहा गया, पास इंडेक्शन का फिक्र है पैसे बाज का, जब किसी फिक्र के दो हिस्से हों, पहले हिस्से में किसी को काम करने के लिए कहा जाए तो कहने की अंग्रेजी हमेशा होती है आस, इसका सेकंड पार्ट हमेशा टू से शुरू होता है। अब देखें, तकसीम के वक्त पाकिस्तानियों को कहा गया द पाकिस्तानीज वर आस्क्ड, तकसीम के वक्त एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब दूसरा हिस्सा शुरू होना के वो की नहीं होगी टू, टू के फॉर्म बार वर्क की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, के वो टू सेटअप या एस्टेब्लिश, के वो कायम करें, टू सेटअप अ न्यू स्टेट, के वो नई रियासत कायम करें 2 माह के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ, 8 करोड़ लोगों के साथ, विद 8 मिलियन पीपल, विद ये भी कह सकते हैं 80 मिलियन पीपल, 8 करोड़ लोगों के साथ। नेक्स्ट देखें, जब पाकिस्तान को कायम किया गया, पास्ट इंडेक्शन का फिक्र है, पास्ट का पैसिवाज, व्हेन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड, जब पाकिस्तान कायम किया गया, तो की नहीं हमेशा कौमा होती है, तो हुकूमत पाकिस्तान के पास ना कोई दारुल खिलाफा था ना कौमी झंडा, जिस फिक्र में 2 मरतबा नाना आ जाए तो नाइजर नोर का यूज होगा और साथ हेड भी का हेड का यूज चलेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान हैड नाइजर नाइजर कैपिटल नॉर अ नेशनल फ्लैग, वो फौज जो पाकिस्तान को दी गई थी पास इंडेफिनिट का पैसे का फिक्र है, द आर्मी विच वॉज गिवन टू पाकिस्तान, वो फौज जो पाकिस्तान को दी गई थी वो भी मुंतशर हो गई, अगर किसी की फिक्र के 3 हिस्से हैं, पहले में वो, दूसरे में जो, तो तीसरा हिस्सा अगर पैसिवाइज है तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, एक्टिवाइज है तो सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। ये टेक्निक फिर हम आस्ता आस्ता आपको डिलीवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। वो भी मुंतशर हो गए, अब क्या होगा, मुंतशर हो गई, वाज आल्सो डिस्पर्स्ड, मुंतशर हो गई, अब वो की अंग्रेजी नहीं होगी, वाज आल्सो डिस्पर्स्ड, मुंतशर हो गई, गुमते पाकिस्तान के पास कोई फौजी हथियार और सलन ना थी, यूज ऑफ हैड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैड नो आर्मी इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट, लाखों पनाहगीन का सैलाब था, यूज देयर का देयर वाज अ फ्लड ऑफ मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज, जो खाने और पहनने के लिए कुछ नहीं रखते थे, हु हैड नथिंग, जो कुछ नहीं रखते थे, किसके लिए, खाने और पहनने के लिए, टू ईट एंड वियर। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के लोगों को बीमारी और जहाल का भी सामना था, पास इंडेपेंडेंस का फिक्र है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैड आल्सो द पीपल ऑफ पाकिस्तान आल्सो फेस्ड डिजीज एंड इग्नोरेंस, पाकिस्तान के पास ना कोई सनद, ना इंजीनियर, ना माहरीन और ना ताजर थे, हैड का यूज है, पाकिस्तान हैड नो इंडस्ट्री, इंजीनियर, एक्सपर्ट्स या टेक्निकल हैंड्स एंड ट्रेडर्स, पाकिस्तान के लोगों की हालत भी और पनाहगीन की भी बहुत कमज़ोर काबिले रहम थी, जिस फिक्र में 2 मरतबा बीबी का लफ्ज़ आज एज वेल एज का यूज़ होगा, पाकिस्तान के लोगों की हालत भी और पनाहगीन की हालत भी, द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द रिफ्यूजीज वाज वेरी वीक एंड मीजरेबल, लेकिन कौम का इतिहाद था, सादा फिक्र है, इट का यूज होगा, बट इट वॉज द यूनिटी ऑफ द नेशन, कौम का इतिहाद था कि मुसलमान एक बहादुर कौम की तरह इन तमाम मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो गए, कि मुसलमान कामयाब हो गए, पास इंडेफिनिट का फिक्र है, एक्टिवाइज का, दैट द मुस्लिम सक्सीडेड, मुसलमान कामयाब हो गए, सक्सीड के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन इन, इन के बाद जब भी वर्ब आएगा आई एन जी का इजाफा होगा, इन कंट्रोलिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन तमाम मसाइल पर काबू पाने में एक बहादुर कौम की तरह, लाइक अ ब्रेव नेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, तो अच्छी तरीके से इसको आपने देखना है, बार बार हमारा लेक्चर जो है ना सुनना है आपने, और उसके बाद वोकैबुलरी स्पेलिंग हर चीज़ मैंने दे दी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह वो पेपर में जो लाजमी आने वाली चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के जरिए भी मिलेंगी और हमारे नोट्स में भी। आपने अगर आप चाहते हैं एक अच्छे ट्रांसलेटर बनना
तो फिर हमारी वीडियो जो है ना, कोशिश किया करें पूरी देखा करें। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक एक चीज आपको क्लियर होगी और लेक्चर में याद हो जाएगा। और इसी तरह आप इन फ्यूचर एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। जो बच्चा अच्छा ट्रांसलेटर बन जाता है वो एक रात में बीए पास होता है, ये भी ध्यान में रखें। कोशिश करें आप, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का जज्बा पैदा करते हैं तो रास्ते हमारे लिए अल्लाह की ज़ात खुद बनाती है। आप भी अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें। और वो लोग जो बेचारे अकेडमियों में कॉलेजों में नहीं जा सकते, सिर्फ हमारी वीडियो देखते जाएंगे तो वो 100% वो पास होंगे। आपने हमारे जो चैनल है प्रोफेसर तनवीर टीप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना इसको शेयर करेंगे तो बेशुमार उन लोगों को भी बेनिफिट होगा जो बेचारे जो है वो कॉलेजों में नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने इस चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स के ज़रिए आपकी अंग्रेज़ी की हर वो चीज़ जो इन फ्यूचर में आपको एक अच्छा ट्रांसलेटर बनने में सपोर्ट करेगी वो मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।